दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के सबसे महंगे होटल यानी कि ताज होटल में वेटर की सैलरी कितनी है? या फिर क्या ये जानते हैं कि गाड़ी धोने के बाद हम वाइपर्स को खड़ा क्यों कर देते हैं? अच्छा, ये तो पता ही होगा कि सांप को हमेशा पूंछ से ही क्यों पकड़ते हैं। क्या हुआ, नहीं भी जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आ गया हूँ मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग फैक्ट से फैक्टिफाई करने के लिए। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर और हो जाइए तैयार फैक्टिफाइड हिंदी के इस एक्साइटिंग सफर पर जाने के लिए। फैक्टिफाइड फैक्ट्स ऑन योर फेस। दोस्तों, ताज होटल सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ सबसे लग्जूरियस होटल्स में से एक है, जहां एक कप चाय की कीमत भी 500 रुपए से ज्यादा है। अब जब होटल इतना महंगा है तो यहाँ काम करने वालों की सैलरी भी ज्यादा ही होगी। और दोस्तों, अगर बात ताज में काम करने वाले वेटर्स की करें तो शायद उनकी सैलरी सुनकर आपके भी होश उड़ जाए, क्योंकि यहाँ तो वेटर्स भी हम मिडिल क्लास लोगों से काफी ज्यादा कमाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस 5-स्टार होटल के वेटर्स की सैलरी 1 से 2 लाख रुपए के बीच है। दरअसल ताज होटल में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो वहाँ के खाने के बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं जानते। ऐसे में होटल के वेटर्स ही उनकी मदद करते हैं, साथ ही वो होटल में मौजूद कई बेहतरीन जगहों से भी गेस्ट को रूबरू करवाते हैं और होटल में उनके स्टे को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। यानी कि अगर सीधे सीधे कहें कि ताज जैसे होटल में वेटर्स भी आम नहीं होते, बल्कि ये प्रोफेशनल स्टीवर्ड होते हैं जो यहाँ आने वाले गेस्ट को एक कमाल का एक्सपीरियंस देते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, सांप का नाम सुनते ही हमारी रूह कांप जाती है। वैसे आपने भी टीवी पर या फिर रियल लाइफ में कभी न कभी लोगों को सांप पकड़ते जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि सांप को हमेशा उसकी पूंछ से ही पकड़ा जाता है? जानते हैं क्यों? दरअसल सांप के शरीर में मुंह से लेकर पिछले हिस्से तक कई हड्डियां होती हैं, जिन्हें वर्टिब्रे कहा जाता है, लेकिन सांप की पूंछ के पास पूरे शरीर के मुकाबले कम हड्डियां होती हैं। इसीलिए सांप अपनी पूंछ वाले हिस्से की तरफ बहुत कम जोर लगा पाता है। ऐसे में जब उसे पूंछ से पकड़ा जाता है तो वो पूंछ के सहारे ऊपर उठकर किसी को काट नहीं पाता। इसके अलावा जब सांप को पूंछ की तरफ से पकड़ा जाता है तब उसे कंट्रोल करना भी आसान होता है, क्योंकि लोग सांप को पकड़ते वक्त उसकी पूंछ को थोड़ा थोड़ा मोड़ते रहते हैं, जिससे सांप से उनकी दूरी बनी रहे। वैसे सांप को पकड़ने का काम दूर से जितना आसान लगता है, इसे असल में कर पाना उतना ही जानलेवा। इसलिए बिना किसी एक्सपर्ट की मौजूदगी के खुद कभी भी सांप पकड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। फैक्ट नंबर 8। हम सब अपनी कार को हमेशा नई और चमचमाती हुई देखना पसंद करते हैं, और ऐसा करने के लिए हम कार को बार बार धोते भी हैं। लेकिन दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि गाड़ी धोने के बाद वाइपर्स को अक्सर खड़ा करके रख देते हैं। जानते हैं क्यों? सोच के तो देखिए। चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल कार को जब धोया जाता है तो उसमें काफी धूल और मिट्टी निकलती है, और इस दौरान अगर वाइपर्स डाउन रहे तो इन पर ये मिट्टी जम जाएगी, और जब हम वाइपर्स को चलाएंगे तो उस मिट्टी से ग्लास पर रगड़ पड़ेगी, जिससे हमारा अगला शीशा खराब हो सकता है। इसी कारण ऐसा ना हो, इसीलिए धोते वक्त और फिर उसके कुछ वक्त बाद तक के लिए वाइपर्स को खड़ा कर दिया जाता है, ताकि उसे मिट्टी लगने से बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनकी वजह से बाद में हमें फजीहत झेलनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ खगड़िया यूपी के निवासी उमाकांत शर्मा के परिवार के साथ। दरअसल हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट निकला, और उमाकांत जी के होनहार बेटे आशीष कुमार ने सबको ये बताया कि उनका इसमें सिलेक्शन हो गया है, वो भी ऑल इंडिया रैंक 85 के साथ, जिसके बाद पूरे परिवार में त्योहार जैसा माहौल हो गया और परिवार ने पूरे गांव में मिठाई तक बंटवा दी। उनका बेटा आईएएस जो बन गया था, जिले के डीएम साहब तक ने आशीष को सिलेक्शन के लिए बधाई दी। लेकिन आशीष कुमार की पोल उन्हीं के एक दोस्त ने खोल दी, जिसने उनके रोल नंबर को चेक किया और बताया कि खगड़िया के आशीष कुमार का नहीं बल्कि अररिया के एक दूसरे आशीष कुमार का ऑल इंडिया रैंक 85 आया है, और शर्मा जी का बेटा तो एग्जाम पास तक नहीं कर पाया। अब इसके बाद परिजनों के मुंह रुआंसे हो गए और मीडिया में खगड़िया के इस आशीष कुमार की फजीहत हुई सो अलग। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम इसकी मदद से कुछ भी बना सकते हैं। पहले जहां एक बिल्डिंग को बनाने में कई महीनों का वक्त लग जाता था,
अब वहीं इसे महज 18 घंटे में तैयार किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगे कि आखिरकार कैसे कोई बिल्डिंग इतनी जल्दी बनकर तैयार हो सकती है, तो बता दूं कि ये पॉसिबल हो पाया है 3D प्रिंटिंग की मदद से। दरअसल मेडागास्कर में एक 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया है। इस टेक्नोलॉजी से बनाया गया ये दुनिया का दूसरा स्कूल है। इस 3D प्रिंटर को पंप से पानी और दूसरा कच्चा माल दिया जाता है, जिसकी मदद से ये प्रिंटर पर दर पर दीवारों को तैयार करता जाता है, और फिर दीवारें बनने के बाद ये सूख जाता है और बिना मजदूरों के ही ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, बात जब टेक्नोलॉजी की हो ही रही है तो मेडिकल साइंस की दुनिया में हुए उस चमत्कार के बारे में भी जान लेते हैं, जिसने 12 कैंसर मरीजों को जीवनदान देने का काम किया है। दरअसल अमेरिका में कैंसर के इलाज को लेकर हाल ही में एक दवा का ट्रायल किया गया, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा। लैब में 18 मरीजों को करीब 6 महीने तक डॉस्टरलिमेव नाम की एक दवाई दी गई, जिसे खाने के बाद सभी 18 मरीजों का ट्यूमर गायब हो गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डॉस्टरलिमेव एक मोनोक्लोनल दवाई है, जो एंटीबॉडी कैंसर सेल्स की लेयर पर PD-1 नाम के एक खास प्रोटीन के साथ मिलकर काम करती है। ये दवाई खास तौर पर कैंसर सेल्स की पहचान करके उन्हें खत्म करने का काम करती है, वो भी बिना किसी कीमोथेरेपी या फिर सर्जरी के। अब वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस दवाई से सभी तरह के कैंसर का इलाज किया जा सकेगा। और दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो दुनिया भर में लाखों कैंसर के जो मरीज हैं, उन्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जापान को टेक्नोलॉजी की दुनिया का बाप कहा जाता है, जहाँ के इन्वेंशंस और अनोखे गैजेट्स की दीवानगी पूरी दुनिया में है। लेकिन अब जापान ने ऑनलाइन ट्रोलिंग को पनिशेबल ऑफेंस बनाकर पूरी दुनिया के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। दरअसल जापान की गवर्नमेंट ने ऑनलाइन इंसल्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। इस कानून के तहत सोशल मीडिया पर दूसरों को ट्रोल करने या फिर इंसल्ट करने वालों को 1 साल की सजा के साथ साथ 3 लाख येन, माने कि 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और दोस्तों, जापानीज पार्लियामेंट से पास हुए इस कानून को जल्द ही लागू किया जाएगा। वैसे दोस्तों, इंडिया में भी ट्रोलिंग जमकर की जाती है, तो क्या अपने यहाँ भी कोई ऐसा कानून आना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इन्वेंशन के मामले में हम भारतीय भी किसी से कम नहीं है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। चेनाब नदी पर बन रहे इस रेलवे आर्क ब्रिज की जमीन से ऊंचाई 359 मीटर और लंबाई 1315 मीटर है। बादलों के ऊपर आर्क के आकार का ये पुल किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। इस रेलवे आर्क ब्रिज की खासियत ये है कि इसकी ऊंचाई पेरिस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा है। इसके साथ ही इसकी ऊंचाई चीन में विपन नदी पर बने। अब उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2022 तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद सैलानियों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, लाल और हरे रंग की चटनी के साथ परोसे गए गर्मा गर्म मोमोज आखिर किसे पसंद नहीं होते? लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन मोमोज पर हम जान छिड़कते हैं, वो हमारी जान भी ले सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल ही में मोमो खाने से दिल्ली के रहने वाले 50 साल के शख्स की मौत हो गई। दरअसल इस शख्स ने बिना चबाए ही मोमो को निगल लिया, जिससे उसकी विंडपाइप में मोमो फंस गया और फिर दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इसीलिए अगली बार जब भी मोमो या फिर कोई और भी चीज खाएं, तो उसे चबाकर जरूर खाएं, वरना आगे क्या हो सकता है ये तो आप जान ही चुके हैं। तो दोस्तों, बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है गुलशन सिंह कहलों जी ने। अपने फैक्ट में गुलशन हमें बताते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना रनिंग हॉस्पिटल सेंट बार्थोलोमियो है, जिसे 1123 में लंदन में बनाया गया था, और फिलहाल इसे बार्ट्स हेल्थ एनएचसी ट्रस्ट की ओर से चलाया जा रहा है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि हॉस्पिटल कार्डियक और कैंसर केयर के लिए पूरी दुनिया में काफी फेमस है, और यहाँ इलाज कराने के लिए देश विदेश से लोग पहुँचते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगर आज के फैक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगे हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।